हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस साल यानी कि 2020 में बॉलीवुड ने अपने कई दिग्गज कलाकारों को खो दिया। बैक टू बैक कलाकारों के निधन की खबरों ने बॉलीवुड को एक बड़ा झटका दिया। दुनिया को अलविदा कहने वालों में इरफान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान, सरोज खान का नाम शामिल है। लेकिन हाल ही में हुई सुशांत सिंह की मौत के बाद से इंडस्ट्री सवालों के घेरे में आ गई है। इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों पर भाई भतीजावाद और गैंगबाजी के आरोप लग रहे हैं, जिसे सुशांत सिंह की मौत की वजह बताई जा रही है। और इसी मुद्दे पर अब इरफान खान के बेटे बाबिल ने भी खुलकर अपनी राय रखी है। अपने लंबे चौड़े पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, क्या आपको मालूम है कि मेरे पिता ने मुझे सिनेमा का छात्र होने के नाते सबसे जरूरी चीज क्या सिखाई थी? फिल्म स्कूल जाने से पहले मेरे पिता ने मुझे चेताया था कि मुझे अपने आप को साबित करना ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा में बॉलीवुड को बेहद कम मौकों पर रिस्पेक्ट किया जा रहा है और मुझे अपने आप को भारतीय सिनेमा को लेकर भी इन्फॉर्म रहना चाहिए, जो बॉलीवुड के कंट्रोल से बाहर है। तो बाबिल ने इरफान खान और अपनी दो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए आगे लिखा, मेरे पिता ने बॉलीवुड के मुश्किल हालात में भी अभिनय की कला को समझने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो कुछ ऐसे सिक्स पैक्स वाले हंक से हार गए जो अपनी फिल्मों में एक लाइन डायलॉग बोलते और विज्ञान के नियमों को धता बताते हैं। तो बाबिल के इस पोस्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्मों में फोटोशॉप आइटम सॉन्ग्स होते हैं, घिसा पिटा पुरुष प्रधान समाज दिखाया जाता है, सेक्सिज्म देखने को मिलता है और सिनेमा को किसी ने मानवता और अस्तित्ववाद से जुड़े एक शानदार माध्यम के तौर पर देखने के बजाय लोगों ने इसे महज एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। बाबिल के हिसाब से तो यही लग रहा है कि उनके पिता इरफान खान को भी खुद के लिए काफी लड़ना पड़ा था, लेकिन वो सिक्स पैक्स एप्स वाले से भी हार गए थे। अब सिक्स पैक्स एप्स से देखा जाए तो बॉलीवुड के खान तिगड़ी और कुछ स्टार किड्स की ओर उनका निशाना जा रहा है। वैसे सुशांत सिंह मामले में भी लोगों ने सलमान खान, करण जौहर और कुछ स्टार किड्स को ही घेर रखा है। तो इरफान खान के बेटे बाबिल के इस पूरे पोस्ट पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।